Who's the winner of this season? Big Boss OTT season 2 की विनर कौन है? मुझे तो ये लग रही है। इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई इस घर के अंदर में सबसे बायस लोग कौन है। इसके अलावा जो हमारे घर के सीनियर सिटीजन है वो किस तरह से फुकरा इंसान के खिलाफ जो है एक नरेटिव सेट कर रही है, और कौन है इस घर की सबसे बड़ी शाइनी कंटेस्टेंट ऑफ द हाउस, एंड बिग बॉस के अंदर में क्या सच में जनता की मदद लग रही है या फिर कंटेस्टेंट खुद अपनी मदद दे रहे हैं, और जिसको अब तक समझ रहे थे सबसे मासूम बंदा वो खेल रहा है घर के अंदर में एक पर्वर्ड वाला गेम, अब वो क्या है इसके बारे में बात करूंगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। या जिस तरह से जाद हदीद कर रहा है ना, यही चीज अगर कोई इंडियन कंटेस्टेंट कर रहा होता ना, मतलब जो इंडिया से है या कोई सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, वो अगर इस तरह से कर रहा होता ना, अब तक उस पे हरासमेंट का केस ठुक चुका होता। और इस भाई साहब को सिर्फ इस बिना पे जाने दे रहे हैं कि भाई ये दुबई से है, ये हमारे गेस्ट है। गेस्ट के नाम पे भाई साहब फलक को जो है सीधा कमर से पकड़ करके रखे हैं, कंधे पे किस किए जा रहे हैं, और इस मैडम को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैम को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि ये बदतमीजी है। पूजा मैम जो कि परवरिश की बात कर रही थी, जब फुकरा इंसान कन्फेशन रूम से बाहर आता है उस वक्त में सैड सैड सैड, और उस पे जब रिएक्ट करता है तो सीधा बोलते तुम्हारी परवरिश ही ऐसी हुई है, तुम्हारे परवरिश में कमी रह गई है। और ये मैडम जब यहाँ पे जाद हदीद को किस करते हुए देखती है, पूरे आराम से मुंह घुमा लेती है, इनको उस वक्त में परवरिश के ऊपर में कुछ नहीं जा रहा होता है। देखो जाद हदीद जो है अपनी कहानी से लोगों का दिल जीत चुका था कि भाई वो सड़क पे था, उसको सड़क से उठाया गया और आज इस मुकाम पे वो अपने दम पे पहुंचा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पॉवर्टी करने का जो है पूरे तरह से लाइसेंस मिल गया है। और ये देखा जाए तो रियल टर्की ऑफ द हाउस है, जो कि हर लड़की को चिपकता है, हर लड़की को बोलता है आई लव यू, यू आर सो स्वीट, यू आर जस्ट लाइक डॉटर फॉर मी। ये डायलॉग जिया शंकर के लिए कहा था, और उसके साथ में भी जो है एक फुटेज ऐसा दिखने को आ रहा है जहां पे वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, जो कि इंडियन कल्चर के हिसाब से तो ऑब्जेक्शनेबल है ही, लेकिन घर के अंदर में जितने भी कंटेस्टेंट है वहां पे इसको कुछ नहीं बोला जाएगा। रूल ब्रेक होने के बाद जो सबसे पहले तीन जन नॉमिनेशन हुए डायरेक्ट, वो थे फुकरा इंसान, जिया शंकर और आकांक्षा पुरी। ये तीनों को जो है सीधे सीधे नॉमिनेट किया गया था। अब ये जब नॉमिनेशन आया तो भाई ऑडियंस तक अभी भी कंफ्यूज है कि कौन निकलनी चाहिए। वैसे रूल के हिसाब से तो आकांक्षा निकलनी चाहिए, क्योंकि वो काफी शांत रहती है, अपनी सारी चीजों को अंदर दबा करके रखती है और बहुत ही फेक तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को सामने में रखती है। लेकिन उसके बावजूद अब इसका घर से निकलना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि घर वालों ने एक ऐसा टास्क दिया जिसके अंदर में लिप लॉक किया है, भाई लिटरली लिप लॉक किया है। और ये जाद हदीद के साथ में जो लिप लॉक हुआ है, और जाद हदीद जिस तरह से इस पे इंटरेस्ट दिखा रहा था, अब जो है मुश्किल है इसको घर से बाहर निकाला जा सकता है। अब बचते हैं दो ही कंटेस्टेंट, एक है जिया शंकर और दूसरा है अपना फुकरा इंसान। फुकरा इंसान देखा जाए तो आउटसाइडर और कॉमन मैन के तौर पे अंदर गया है, लेकिन अंदर में बाकी सबके सब स्टार्स है, और कहते ना बहुत ही बड़े फेमस फेस के साथ आए हुए हैं, तो भाई जिया शंकर जो है कुछ उसी कैटेगरी में आती है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं घर से कौन निकलेगा। जिया शंकर नहीं निकल सकती, आकांक्षा पुरी को भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि एंड टाइम पे उसने गेम खेल दिया है और वो ऑडियंस को खुला बोल रही है कि मैंने जो किया है ऑडियंस समझेगी और मुझे बचाएगी, इससे बढ़कर और क्या कर सकती हूं? तो मतलब उसने मसाला दिया है। अब बचता है फुकरा इंसान, जो कि पूरे घर के अंदर में टारगेट हो चुका है, और उस बंदे को जो है यहां तक कह दिया गया है कि भाई ये नामर्द है, ये गे है, ये जनानी है। जी हां, एग्जैक्टली यही वर्ड यूज हुआ है, लाइव फीड में जो है यही दिखाया जा रहा था। और ये वो लोग कह रहे हैं जो कि अब तक के तमीज की पीपड़ी बजाते हुए आ रहे हैं कि इसको तमीज नहीं, जबकि वो हर किसी को मैम और आप जनाब सही बात कर रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में, ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अब बात करना चाहूंगा बेबिका और पूजा भट्ट के बारे में। बेबिका जो है इस बार जो है सैनिटरी पैड अपना भूल चुकी है बाथरूम के अंदर में, और उसको जिस तरह से याद दिलाया जा, वो बिल्कुल वैसे ही दौड़ के गई जैसे कि आलिया गई, क्योंकि ये मैम भी जो है भूल चुकी थी कि अंदर में उन्होंने रखा है और उसको निकाल के फेंकना भी है। अब इसी चीज के ऊपर में जो है पूरे घर वालों ने फैसला लिया था कि आलिया को जो है निकाल देना चाहिए घर के अंदर से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक है और ये अपना रूप सामने निकाल करके नहीं रख रही है। तो इस हिसाब से आपको हिपोक्रेट नहीं लग रही है लोग कि भाई वही चीज जब आलिया ने किया था तो उसको घर से निष्कासित करने के लिए ये सब के सब लग गए, फैसला ले लिया कि भाई किनको घर से निकालना चाहिए, वहीं पे बेबिका की इस बात को कितने आराम से लेट गो कर दिया गया। ये वही बेशरम लोग है जो कि कह रहे हैं कि वी एंजॉयड योर किस, मतलब जब आप लोग किस कर रहे थे हम एंजॉय कर रहे थे, और ये वही लोग है जो कि कहते हैं हमारे संस्कार बहुत बड़े होते हैं। तो भाई हिपोक्रेसी करने से पहले सोच तो लो कि करने क्या जा रहे हो। और एक तरफ कहा जाता है कि पूरी इंडिया देख रही है, ये एक फैमिली शो है, ये फैमिली शो के अंदर में ये क्या हो रहा है। देखो ओटीटी है, पता है ओवर द टॉप चीजें होंगी और ये चीज एक्सेप्टेबल भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको आप प्राइम टाइम में दिखा दे रहे हो तो बॉस मुझे तो लगता है अब जियो को जो 1.1 की रेटिंग मिली है वो 1.1 की रेटिंग भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जब से पुणे सुपरस्टार बाहर गया है इसकी रेटिंग गिरती ही जा रही है, और अभी 1.1 पे आकर के रुकी है। आई एम नहीं बोलना चाहता।
What do you think, अगर ये सारे पॉलिटिक्स की वजह से अगर फुकरा इंसान घर से बाहर आ जाता है तो जियो सिनेमा की रेटिंग का क्या होगा, और जितने लोग भी डाउनलोड करके बैठे हैं क्या इनके सब्सक्रिप्शन में कोई कमी आएगी? कमेंट करके जरूर बताना। पूजा भट्ट मैम को जो है हर किसी से 40 से 50 साल के बाद में मिलना है। कोई लड़की अगर थोड़ा सा कुछ कह दे रही है तो ये रंग रूप हमेशा नहीं रहने वाला, तुम्हारे अंदर का कैरेक्टर जो है वो बुढ़ापे में दिखेगा और उसी वजह से लोग तुमसे प्यार करेंगे। कोई लड़का अगर ऐसा कर रहा है तो ये फॉलोअर्स तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले आगे चल के, ये अभी है। तुम अगर सच्चाई का सामना करना चाहते हो 40-50 साल के बाद मिल जाना मैम, वही 40-50 साल के बाद लोग आपको भी देख रहे हैं एंड ट्रस्ट मी आपका कैरेक्टर को ही देख रहे हैं और उस कैरेक्टर को लेकर के बहुत ज्यादा भड़के हुए। एक बार जब आप घर से बाहर आएंगे तो आपको सोशल मीडिया से पता चलेगा कि आपके हर एक एपिसोड के बाद में लोगों का रिएक्शन क्या रहा है। अब आप कह सकते हो कि दिस इज माय वे, मैं अपने कैरेक्टर को क्यों चेंज करूं? अगर ये चीज आप खुद के लिए कह रहे हो तो भाई फुकरा इंसान तो आज के जनरेशन का है भाई। आज के जनरेशन के लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और अपने दिमाग और लॉजिक को लगा करके ही आगे बढ़ते हैं, उसके आगे पीछे सेंटीमेंट वगैरह नहीं लगाते। उनको पता होता है वो क्या सही कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं, उसके बाद से उनको ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो वो भाई साहब अपने आप को क्यों बदले? फुकरा इंसान को घर के एक कोने में ले जाकर के कहती है कि जब तुम 1-to-1 बात कर रहे होते हो तो बहुत अलग रहते हो, वही जब लोगों के सामने में आते हो तो तुम्हारा रिएक्शन बहुत अलग रहता है। यही चीज तो आप भी कर रही है, जब लोगों के सामने में कह रही होती है तो उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट कर रही होती है, उनको पूरे तरह से डिफेम करने की कोशिश कर रही होती है, और जब घर के एक कोने में ले जाकर के बात कर रही होती है तो कहती है बेटा आई एम नॉट हेटिंग यू, मैं तुम्हारे से नफरत नहीं करती, मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती हूँ, बस मैं तुमको समझा रही हूँ। आप भी तो वही कर रहे हो। दूसरों को करेक्ट करने से पहले अपने आप को देखो। करेक्ट करने से याद आया, बिग बॉस घर के अंदर में हर दूसरे टास्क में लेकर के ये आ रहे हैं कि आप अपना सजेशन सामने रखो। लगता है बिग बॉस को जो है जो अपने बाबा आते हैं हर साल आकर के बता करके जाते हैं भविष्य ऑफ द बिग बॉस, वो बाबा से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, खास करके जब से उनकी बेटी अंदर आई है यानी बेबिका दुर्वे। उनको हर बार मौका दिया जाता है कि आप अपना जो भविष्य विद्या ज्ञान है वो सामने में रखो और लोगों को सजेशन दो। इस मैडम को बस यही रहता है, और यकीन मानो बेबिका जो भी चीज दूसरों को कह रही होती है वो सब अपने बारे में कह रही होती है। अगर वो खुद के ऊपर में अप्लाई करना शुरू कर दे इस घर के अंदर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी और शांति बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है बिग बॉस को। बेबिका मैम जो है बार बार अपने रियल होने का दावा कर रही है और जो सबसे रियल है उसको कह रही है कि तुम फेक हो, तुम डिप्लोमेट हो। भाई वो डरी हुई है, वो एक कॉमन पर्सन के हिसाब से अंदर आई है, जैसे कि फुकरा इंसान, जैसे कि पुनीत सुपरस्टार, जैसे कि ये तीनों जन जो है एक तरह से सोशल मीडिया से आए हैं, ये अपने दम पे बनकर के आए हैं। तो इन लोगों को एक डर रहता है कि पूजा भट्ट जो है वो बहुत बड़ा नाम है और पूजा भट्ट के सामने में जो है अपनी नहीं चला सकते, अगर चले तो आगे जो काम मिलने वाला रहेगा वो ये लोग हटवा देंगे वो काम, और वो काम नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से मैडम ने एक जगह पे कहा भी है कि ये पूजा मैम नहीं होती ना तो मैं सबकी औकात सबको दिखा देती कि उसकी औकात क्या है। ये मैडम ने सीधा कहा कि मैं फाड़ के रख देती इन सबकी, ये हकीकत है। और वो जितनी भी चीजें कह रही है ना भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मनीषा रानी जब आई थी तो मुझे लगा था कि बहुत ही घटिया तरीके से खेलेगी, और इसके अंदर में जो है वो अपने लास्ट सीजन में एक थी ना बिकिनी स्टार, कौन थी वो, कुछ तो अवार्ड जीता था उसने, मतलब मिस बिकिनी बन करके आई थी, वो मैडम जो भैया 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 करती रहती थी, आई फॉरगॉट हर नेम, कुछ वैसा ही सोचा था। लेकिन ये बंदी डे बाय डे 7 दिन के अंदर में दिल में उतर चुकी है, मानो या ना मानो आप इस लड़की को जो है पसंद करने लगे होगे और कह रहे होगे यार ये बंदी कितना सही बोलती है। मुझे तो वहीं पे दिल जीत गई कि हर इंसान अपनी स्टोरी का हीरो होता है। असलियत में जानना हो तो उसके ऑपोजिट से पूछो वो कितना बड़ा विलन है। विलन भी अपने कहानी के अंदर में खुद को हीरो बना करके दिखाता है, तो आप तो मत ही बोलो भाई, इतना रियल जिंदगी से इतना रूबरू जो हुई है ना वो रियल एक्सपीरियंस के साथ में आई है। तो भाई कोई अगर कहता है ना कि मेरी एक्सपीरियंस जो है वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा बड़ा है, तो भाई वो सबसे बड़ा ढोंगी है। तुम एक्सपीरियंस और अपनी एज का ऑथोरिटी लेकर के मत खेलो, जो कि फुकरा इंसान ने भी कहा है कि जिसको देखो वुमन कार्ड, जिसको देखो एज कार्ड लेकर के चल रहे हैं, मुझे रिस्पेक्ट दो मैं वुमन हूं, मुझे रिस्पेक्ट दो मैं वुमन हूं। भाई ये दो बंदे हैं ना जो बहुत ही ज्यादा रियल होकर खेल रहे हैं, बाकी सबके परसेंटेज कम है, वो लोग भी रियल है, लेकिन 100% अगर रियल होकर के कोई खेल रहे ना, दीज आर द टू पर्सन दैट फुकरा इंसान एंड मनीषा रानी फ्रॉम द सोशल मीडिया। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। ऐसे और भी गॉसिप डिस्कशन और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।